आज के इस वीडियो में दोस्तों करोड़ों कमाने वाले बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दो ऐसे बंदे जो कि सिर्फ अकेले कोई एम्प्लॉय कुछ भी नहीं है, फिर भी सालाना 8 करोड़ प्लस का रेवेन्यू बना रहे। जेफ बेजोस कैसे दुनिया में सबसे अमीर बने, इसके बारे में एक बहुत तगड़ी स्टोरी है, एक ही स्टोरी है जो कि आपको यहाँ पे एक अंदाजा दे देगी कि दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन रिचेस्ट एक्चुअली में बनते कैसे। और एट दैट एक ऐसी स्टोरी है जहां पे एक बंदा आधा खाना खाता है बिलियनर बनने के लिए। बिलियनर बनने के लिए इतने पैसे पहले सेव करता है कि खाना भी पूरा नहीं खाता और एक $1 billion कंपनी बनाता है और फ्यूचरिस्टिक आइडिया पे काम करता है। यानी कि 4 स्टोरी आज शेयर होने वाली है इस वीडियो में, और चारों स्टोरी सुनने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आज मैंने इतना नॉलेज ले लिया बिजनेस के बारे में, इतना मेरा माइंडसेट डेवलप हो गया जितना मैंने महीनों तक कुछ नहीं यहाँ पे लर्न किया था। तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहेगा। शुरू करते हैं नंबर 4 के साथ। एक बंदा है दोस्तों AJ पटेल, जिनकी एक कंपनी भी कह सकते हैं, अकेला बंदा है, तो एक वेबसाइट बिल्ड की उन्होंने और वेबसाइट का नाम है कार्ड CARD। अब सिर्फ एक चीज करती है एक वेबसाइट, यह वेबसाइट एक चीज करती है और काम करती है यहाँ पे वन पेज वेबसाइट यदि आपको बिल्ड करनी है, सिंपल वन पेज वेबसाइट यदि आपको बिल्ड करनी है, आप कार्ड में से फ्री में बिल्ड कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन मॉडल लेने के बाद, सब्सक्रिप्शन मॉडल में पैसा चार्ज किया जाता है, आप मल्टीपल वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे दूसरों के लिए वेबसाइट बिल्ड करके देते हैं, कार्ड का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पे दूसरों को पेड में वेबसाइट बना के दे देते हैं। तो इस तरह से AJ पटेल एक काम कर रहा है, सिंपल वन पेज वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, यानी कि कैसे बनाया जाता है, थीम प्रोवाइड करता है और $1 million प्लस का उनका प्रॉफिट होता है सालाना, क्योंकि मिलियंस में विजिट होती है और मिलियंस में लोग उनकी वेबसाइट पर जाकर खुद की एक सिंपल पेज वेबसाइट बनाना पसंद करते। तो आपको यदि वन पेज वेबसाइट बनानी है तो आप कार्ड को चेक कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों कोई स्नीस पे काम करके भी आप करोड़ों कमा सकते हो। बात करूंगा यहाँ पे जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस यहाँ पे इतने अमीर कैसे बने, 1985 की बात है, माफ कीजिएगा 1995, जेफ बेजोस को जो पहली बार यहाँ पे $1 million का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, $1 million के इन्वेस्टमेंट के लिए जेफ बेजोस ने दोस्तों 60 मीटिंग की इन्वेस्टर के साथ। इन्वेस्टर ने एक ही क्वेश्चन पूछा जेफ बेजोस को कि इंटरनेट क्या है। 1995 में इन्वेस्टर को ये भी नहीं पता था कि इंटरनेट क्या है, तब के टाइम पे जेफ बेजोस इंटरनेट में ई कॉमर्स बिजनेस बना रहे थे। यानी कि इतने अर्ली थे, इतने फर्स्ट मूवर थे। आज भी दोस्तों इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ई कॉमर्स का बिजनेस चलता कैसे, तब 1995 में इतने अर्ली एडवांटेजेस होने की वजह से जेफ बेजोस आज टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में। तो एक रीजन है यहाँ पे। अब दोस्तों तगड़ी स्टोरी है, इंडिया का बंदा है और एक ब्लॉग चलाता है LifeMathMoney.com, आप चेक कर सकते हो। बंदे का नाम है यहाँ पे हर्ष स्ट्रॉन्गमैन, एक इंडियन बंदा है, बहुत स्मार्ट बंदा है, क्योंकि इंडिया में बैठ के यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है यूएसए के यूके के बंदों को और ऑडियंस को, और सालाना 8 करोड़ प्लस का प्रॉफिट बना रहा है। लेकिन काम क्या करता है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को। दोस्तों ये जो बंदा है अभी यंग है, कुछ 21-22 साल का है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल पार्टनर ट्रेनर प्लानर आप जो कुछ भी कह सकते हैं बता रहा है कि मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल ट्रेनर हूँ। ये बंदा पैसे कैसे कमा रहा है ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 ट्विटर अकाउंट है इस बंदे के, अब खुद के नाम पे नहीं है ये बंदा। दोस्तों यहाँ पे क्या कवर कर रहा है, क्या बेच रहा है, ये हम जानते हैं। जो भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता वे सब कुछ यहाँ पे वे सिखा रहा है आपको। यहाँ पे मैं D2D अब वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ कि यह बंदा क्या क्या पेजेस चला रहा है और कैसे। उनका एक पेज है, हर्ष स्ट्रॉन्गमैन इंडिया का बंदा है, उनका एक पेज है, वन इज 48 लॉज ऑफ पावर, 200 के फॉलोवर है, 48 लॉज ऑफ पावर जहाँ पे 200 के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। एक और उनका पेज है बुक ऑफ बुक, एक और पेज है फिटमैन सिग्मा मैन। दोस्तों जितने भी पेजेस है ये पेजिस पे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोइंग है, और खास करके इंडिया की नहीं है, यूएसए की, यूके की, डेवलप्ड कंट्री की यहाँ पे फॉलोइंग है। ये जितने भी पेजेस है 12+ पेजेस है, सारे के सारे पेजेस यहाँ पे लिंक किए गए जहाँ पे वे पेड डॉक्यूमेंट सेल करता है। पेड डॉक्यूमेंट सेल करता है, कैसे सेल करता है इसके बारे में बात करने वाले मैं आपको। जितना रिसर्च है रिसर्च टू रिसर्च ही सब कुछ बता रहा हूँ, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो कि ये हर्ष बेच रहा है इंडिया में बैठ के यूएसए यूके के पब्लिक को बेच रहा है। देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी रिच कैसे बना जाता है नहीं सिखाया जाता, स्मार्ट कैसे बना जाता है ये नहीं सिखाया जाता, कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता। अब ये उसी पर फोकस कर रहा है, उनके ब्लॉग का और वेबसाइट का नाम ही यही है, इसीलिए LifeMathMoney.com आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको नंबर बताने वाला हूँ, ये नंबर सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि ये बंदा एक्चुअली में कितना पैसा बना रहा है।
एक और से ट्विटर से लाखों की फॉलोइंग ली यूएसए यूके की, अब उन्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेल करना है। जैसे कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, अब ये मेरा स्क्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट है, यदि मैं चाहूँ तो अपनी स्क्रिप्ट को एक पेड वर्जन में बेच सकता हूँ, स्क्रिप्ट को लोग रीड करके लर्निंग ले सकते हो। तो ऐसा ही कुछ कामिया कर रहा है, अपने जितने भी ट्विटर पेज है पेड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर दिया है। नंबर अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे उनका एक प्रोग्राम है, टॉपिक है पावर एंड इन्फ्लुएंस इन टू अ जॉब $89 का, यानी कि जॉब में इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाए, जॉब आप यदि कर रहे हो तो जॉब में पावर कैसे बढ़ाए, उनका रिगार्डिंग उनका ट्विटर पेज है, वहां से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सेल करता $89 में, जो कि 5000 प्लस रुपीज इंडियन रुपीज में हो गए। अब $89 इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन यूएसए यूके जैसी कंट्री में दोस्तों लोग $20 कैसे पिज्जा खा जाते, तो उनके लिए इतना पैसा स्पेंड करना यहां पे बड़ी बात नहीं है। उनका एक और कोर्स है जो कि आप यहां पे सुनिए, नंबर बहुत तगड़े दोस्तों, प्रोग्राम का नाम है सेल्फ हेल्प इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि $89 की प्राइस है, ऑलरेडी 9500 प्लस कॉपी सेल कर दी है। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, 9500 कॉपीज प्लस $89 इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके तो 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। उनका एक और प्रोग्राम है हाउ टू ग्रो ट्विटर ऑडियंस, क्योंकि खुद के पास लाखों की ट्विटर ऑडियंस है, तो इस पे कोर्स बेच सकता है हाउ टू ग्रो ट्विटर ऑडियंस। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, यूएसए यूके के लोगों के लिए $100-$200 स्पेंड करना लर्निंग पे बहुत बड़ी बात नहीं है, इसीलिए प्राइस भी ज्यादा रखा है, $179 प्राइस है हाउ टू ग्रो ट्विटर ऑडियंस का, उनका पेड डॉक्यूमेंट बाय करने का $179 प्राइस है और 5000 प्लस सेल बना चुका है बंदा। तो ऐसे दोस्तों ये करोड़ों में कमा रहा है इंडिया में बैठ के, चेक करता हूँ और क्या उनका कोई प्रोग्राम है। और भी दोस्तों उनके बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे कि फीड कैसे बना जाए, स्मार्टर कैसे बना जाए, कैसे सिग्मा मेल बना जाए, ये से दोस्तों बिजनेस बनता है, ऐसे बनता है। इंडिया में बैठ के क्या यूएसए को टारगेट की जा सकता है, नहीं जाएगा। ऐसी स्मार्टनेस का नॉलेज, ऐसे स्मार्ट नॉलेज आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं डेप्थ रिसर्च करके आता हूँ। तो ऐसे स्मार्ट वीडियोस देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है, लेकिन लाइक के साथ उत्साह भी बढ़ा सकते हो, शेयर हो सके तो मेरे लिए नहीं लेपे दहला है। आगे बात करेंगे बिलियनर के रिलेटेड। नंबर वन पे आ चुका है बिजनेस आइडिया, आधा खाना खा के $1 billion की कंपनी बना दी, आधा खाना खा के बंदा बिलियनर बन गया। ये स्टोरी दोस्तों बहुत ही तगड़ी है और बहुत मजेदार है, लेकिन एक डेप्थ लर्निंग वाली। एक्चुअल में कुछ ना होने से बिलियनर कैसे बन जाते हैं लोग, दो बंदे हैं दोस्तों और दोनों ब्रदर ही है, एक का नाम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ निक करके, निक बोबरे, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, न्यूजीलैंड से है। जब उनकी एज थी यहाँ पे 12 साल की उम्र में, उन्होंने एक स्कूल में कंपटीशन होता है, फेयर कंपटीशन, वहाँ पे एक हॉट एयर बलून टॉय बनाया। अब टॉय में कॉम्पिटिशन में जीत गए, टॉय इतना अच्छा था कि लोग खरीदना चाहते थे, तो प्रोडक्शन सब कुछ सीख लिया और टॉय रिलेटेड सब कुछ नॉलेज ले लिया। लेकिन एक टाइम आने के बाद प्रोडक्शन टॉय का बिठाना और स्केल करना न्यूजीलैंड में इम्पॉसिबल लगा। ये दोस्तों बंदे इतने ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव रखते थे, यूनिवर्सिटी तो ड्रॉप आउट की, लेकिन उन्होंने देखा कि सबसे सस्ता टॉय दुनिया में कहाँ बनता है चाइना में। होंगकोंग चले गए दोनों ब्रदर अपने पेरेंट्स से 8-10 लाख रुपीज़ यहाँ पे ले लिए, $10,000 है जो कि उन्होंने ले लिए 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। होंगकोंग चले गए, होंगकोंग चले जाने के बाद सिर्फ फ्लाइट का पैसा था, और यहाँ पे पहले दिन तो दोस्तों सड़क पे सो गए और $8 अराउंड कुछ प्राइस देके एक बहुत सस्ता अपार्टमेंट ले लिया, कुछ भी करके पहली एक फैक्ट्री लगा ली। ये दोनों दोस्तों 8 साल तक, दोनों ब्रदर निक और उनके ब्रदर 8 साल तक सिर्फ फैक्ट्री में सोए और उन्होंने टॉय कंपनी बनाई, टॉय कंपनी का नाम रखा जुरू। स्टार्टिंग में तो दोस्तों उन्होंने, क्योंकि टॉय में भी खुद का इनोवेशन चाहिए, टॉय में भी पैटर्न होती है, टॉय भी एक जैसे कि कार का इन्वेंशन होता है, वैसे टॉय में भी इन्वेंशन किया जाता है न्यू टाइप के टॉयज के। पहले तो ये बंदे दूसरों की कॉपी करते थे, लेकिन कंपनी के द्वारा जब सू मिला कि भाई आप हमारे टॉय को क्यों कॉपी कर रहे हो, जब केस हुए बाद में खुद के टॉयज इनोवेशन करना शुरू किए, और ऐसे ऐसे टॉयज दोस्तों ये जुरू कंपनी ने यानी कि निक ब्रदर्स ने इन्वेंट किए, जो कि वर्ल्ड फेमस टॉय हो चुके हैं। $1 billion की कंपनी बन गई दोस्तों उनकी, $1 billion की माफ कीजिएगा कंपनी नहीं दोस्तों, $1 billion का सालाना सेल है आज। और मजेदार बात क्या है पता है, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं उठाया, 15 साल पहले जरूर शुरू किया और इन्वेस्टमेंट भी नहीं उठाया, 100% जरूर टॉय कंपनी में इक्विटी आज दोनों ब्रदर की है। यहां से दोस्तों तगड़ी गेम आगे भी चलती है, ये सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए आपके पास इतना पैसा आ गया, अब क्या आगे कुछ नया करने की सोचोगे या नहीं सोचोगे? 98% लोग सोचेंगे कि अब तो आगे कुछ नहीं करना, मैं ऑलरेडी बिलियनर बन चुका हूं, मुझे क्या आगे करना है। लेकिन नहीं, ये लोग चिल्ड्रन इंडस्ट्री में टॉय चिल्ड्रन लेते हैं, चिल्ड्रन की और एक नीड होती है यहाँ पे डायपर। अब ये लोगों ने सोचा, ये जो कंपनी है जुरू, कि हम डायपर कैसे सबसे ज्यादा बेच दे, कैसे डायपर हम यहाँ पे डायपर मार्केट में हम अपना यहाँ पे डोमिनेंस बनाना चाहते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल दोस्तों चेक कीजिएगा, कोकोनट मेलन, जो कि चिल्ड्रन के लिए सबसे फेवरेट चैनल है,
चिल्ड्रन के लिए सबसे फेवरेट चैनल, उनके साथ कर लिया टाइप और यहाँ पे लॉन्च कर दिया डायपर। मैं आपको नाम बता रहा हूं दोस्तों उनके, जो डायपर कंपनी है, मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिएगा। उन्होंने दोस्तों ये बहुत एक तगड़ी गेम खेली, जो कि है रास्कल, रास्कल फ्रेंड करके उन्होंने एक डायपर कंपनी लॉन्च की, कोकोनट मिल्क का टाइप किया। और सालाना दोस्तों आज डायपर कंपनी लॉन्च करने के बाद $200 मिलियन का सेल उन्होंने पहुंचा दिया। ये दोस्तों टॉय टू डायपर। अब आगे सुनते रहेगा डायपर से कहां तक जाते हैं, ये भी मैं बात करने वाला हूं। पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा और आपको डेप्थ में इनसाइटफुल नॉलेज देना चाहूंगा। आज 8000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जुरू में, एक टाइम पे बंदा। यहां पे दोस्तों मैं ये देख के बहुत हैरान रह गया, जब ये बंदा कंपनी बना रहा था, जब टॉय फैक्ट्री शुरू कर रहा था, क्योंकि खुद नहीं था दोस्तों, जीरो टू शुरू कर रहा था, जीरो से आगे बढ़ रहा था, आधा खाना खाता था। हाँ जी दोस्तों, आधा खाना खाता था क्योंकि पैसे बचाने थे। यदि पूरा खाना खाता तो यहाँ पे पैसे नहीं बचते, इसलिए भूखा रह के दोस्तों ये बंदा आगे बढ़ा है, इसीलिए बिलियन तक पहुंचा है। 8000 एम्प्लॉय है, 28 कंट्रीज में उनकी ऑफिसेज है। यहाँ पे डायपर भी 200 मिलियन डॉलर तक सेल्स पहुंचा दिया। लेकिन और रुका नहीं दोस्तों, और इनोवेशन सुनिए आगे। डायपर से चिल्ड्रन हेयर केयर इंडस्ट्री में गए, वहां से पेट केयर इंडस्ट्री में गए, सभी रिलेटेड इंडस्ट्री में। लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी अब एक बड़ी बेटली, कैसी बेटली, इसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों ये जुरू जो टॉय कंपनी है, एक और नई कंपनी ओपन की जुरू टेक करके, जो कि रोबोट के थ्रू यहाँ पे हाउसेस बिल्ड कर रही है। कहाँ से शुरू किया, आज हाउसेस बिल्ड कर रही है रोबोट के थ्रू। जो कंपनी पहले थी वो तो अभी भी चल रही है, लेकिन अभी भी नए नए इन्वेंशन चल रहे हैं। ये दोस्तों सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, टॉय बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यदि आप टॉय इंडस्ट्री में कुछ भी इनोवेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। मैंने आज आपके साथ 4 स्टोरी शेयर करी दोस्तों। मुझे बताइए कमेंट में वीडियोस कैसे लग रहे हैं। यदि रियल वैल्यू रियल लर्निंग मिल रही है तो लाइक के साथ उत्साह बढ़ा सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में, धन्यवाद फ्रॉम सावन सोदित्रा। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे बिजनेस वीडियोस देखते हो आपका माइंड यहाँ पे एक्चुअली में बिजनेसमैन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डेवलप हो रहा है। जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो वैसा ही आपका माइंड डेवलप होता है। एक टेररिस्ट जो बचपन से कंटेंट कंज्यूम कराते हैं, जो उनके बड़े लोग जो कि कहते हैं कि उन्हें टेररिस्ट बनाते बच्चों को, तो वे टेररिस्ट बन जाते हैं। तो आप ऐसे बिजनेस कंटेंट, मिलियनर बिलियनर के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आप भी फ्यूचर में मिलियनर बिलियनर 5 साल बाद बनने ही वाले हो, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एज अ प्राइड मोमेंट भी ले सकते हो कि आप ऐसे वीडियो देख रहे हो। अगेन धन्यवाद फ्रॉम सावन सोदित्रा।